घरेलू और ऊर्जा संयंत्रों से न केवल सस्ती बिजली प्राप्त होती है बल्कि इससे पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलता है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा स्थापित 3 किलोवाट क्षमता तक के संयंत्रों पर 40% और 10 किलोवाट क्षमता तक के संयंत्रों पर 20% अनुदान राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने लोगों का आह्वान करते हुए कहा कि अधिक से अधिक संख्या में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर पर्यावरण संरक्षण में भागीदारी निभाएं। भारत सरकार ने अपने फेज 2 में जो स्कीम दी है उसके तहत 10 किलोवाट की क्षमता तक के घरेलू सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना पर 31 अगस्त 2021 तक अनुदान दे रहेगा। इस रूफटॉप योजना के तहत घरेलू स्तर पर 3 किलोवाट तक की क्षमता के संयंत्रों पर 40% अनुदान है और 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक की क्षमता के उस पर 20% अनुदान है। हमारे यहाँ लगभग 101 एक्टिव वेंडर्स हैं। आप इनमें से किसी के माध्यम से भी अगर इसको लगाते हैं तो आपको ये अनुदान दे होगा। इसमें स्थापना में प्रति किलोवाट प्रतिदिन लगभग 4 यूनिट विद्युत का उत्पादन होता है तथा उपभोक्ता द्वारा व्यय की गई समस्त राशि हमारे अनुमान के हिसाब से 4 वर्ष में पूरी तरह से वसूल हो जाती है। ये देखिए, हमारे पहले जो सबकी बिजली आती है वैसे ही हमारे भी आती थी, लेकिन बहुत लंबा बिल आता था, 20,000, 25,000, 18,000। लेकिन हमने अभी सुना कि सौर ऊर्जा से सोलर पैनल लगाना चाहिए तो हमने लगा लिया। हमको बहुत फ़ायदा हुआ, अब नहीं के बराबर हमारे बिल आता है। और इसकी छाया में हमने किचन गार्डन लगा लिया, पेड़ पौधे लगा लिए, तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है। इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। लगभग 45 से 50 यूनिट रोजाना बिजली बनती है और सरकार हमें सब्सिडी भी देती है इस पे। और इसको लगाने से बिजली का बिल बिल्कुल ना के बराबर है और बहुत हम लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि ये सोलर जो है, सोलर पैनल जो है, मतलब बहुत फ़ायदेमंद है हमारे लिए।